तो भाई हम वापस उसी दुकान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने अपने लाडो पे राम राम लिखवाया था। तो भाई हमारा फॉन्ट हो गया रेडी। हाँ भाई फाइनली लिख गया इस पे भी राम राम। सही लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे अपनी जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, जितने भी व्हीकल आएंगे, सब पे आपको राम राम लिखा हुआ दिखाई देगा। 1 2 3 राम राम। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। देखो आज से एक दो दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम करवा नहीं पा रहे। मतलब मन तो बड़ा है करवाने का, पर क्या है ना कि छूट जा रहा है बार बार। कभी कुछ हमारे साथ हो जाता है, कभी कुछ हमारे साथ हो जाता है, हम जा नहीं पाते। नमस्कार, नीचे से गार्ड साहब नमस्कार कर रहे हैं। तो सुबह की राम राम भाई सबको। मतलब बेसिकली ये है कि वो काम स्किप हो रहा था किसी ना किसी रीजन से, तो आज फाइनली हम वो काम करवाने जा रहे हैं गाइस। विनय घर पे है नहीं, मैंने उसको बोला था रुकने के लिए, पर कह रहा भाई घर जाना, 13-14 दिन हो गए। मगर ठीक है भाई, होया तू घर पे। तो अभी मैं, मिक्की और ये बल्लू, हम तीनों जा रहे हैं। ये पंचिंग बैग देख रहे हो, जिसने भी मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारी ना, ऐसे ही ऐसे घुसंड लगेंगे ऐसे ही। अच्छा वैसे तुम्हें पता है हम क्या करने जा रहे हैं? क्या? नहीं पता? कोई नहीं, बस मैंने गाइस इनको बोला कि चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं, कुछ काम है बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं बताया कि क्या है, अभी तो मैं पता लगेगा, बाहर जाके गाड़ी के पास चल के बताऊंगा क्या काम है। यस, हाँ जी गार्ड साहब कैसे हो? गाड़ी की सही से केयर कर रहे हो? बिल्कुल सर, परेशान हूँ। परेशान हो क्यों? कोई स्क्रेच नहीं कर जाए, बहुत महंगी गाड़ी है। हाँ आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, और कोई पकड़ा जाए तो मुझे बताना, बिल्कुल सर, फिर मैं स्क्रेच मारूंगा अच्छे से, ठीक है? सब बच्चे को समझा दिया हूं। कोई देखो कोई आता है फोटो खिंचवाता है देखता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान ना करे कोई। नहीं कोई, मैं कल बोल दिया हूं, कोई टच नहीं करे। हाँ नुकसान ना करे, चलो ठीक है। गाइस हमारी नई सोसाइटी के यार नज़ारे बड़े मजेदार है, ये दिखाते दिखाते मैं थकता नहीं हूँ। मेरा तो मन करता है सोसाइटी में ही व्लॉग बनाता रहूँ मैं। ये देख रहे हो, ये अपनी लाडो है ना, इस पर हमने पीछे लाडो लिखवा रखा है और आगे आपको पता ही है क्या लिखवा रखा है, राम राम। तो भाई सारे भाइयों को मेरी राम राम, जल्दी से कमेंट कर दो जय श्री राम। ये कैसे वाइपर करियो नीचे, कैसे होंगे देखो कैसे। अच्छा मैकेनिक का काम करता था क्या किसी उसमें? अच्छा लगता ना। अच्छा काम तो सुन लो, क्या काम करवाने जा रहे हैं? वही तो पूछ रहा था मैं आपसे। तो हम लिखवाने जा रहे हैं अपनी एक्सयूवी के ऊपर सेम राम राम। एक्सयूवी के ऊपर? हाँ सेम सेम। की कलर वलर चेंज की? सेम नहीं, सेम अब ब्लू कलर है, उस पर व्हाइट ही अच्छा लगेगा। तो चले भाई लिखवाने के लिए। और पीछे क्या लिखवाओगे? पीछे अभी कुछ सोचा नहीं, इन काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, आप जल्दी चलो। भाई मैंने इसका नाम ही नहीं सोचा ना, अब जैसे इसका तो हमने लाडो रख रखा है, उसका अभी नामकरण नहीं करा, अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग एक काम करो, मुझे कमेंट करके एक्सयूवी के लिए कुछ अच्छा नाम सजेस्ट करो। वैसे 2 साल की हो गई है? 2 साल की नहीं हुई अभी। 2 साल तो हो गए? नहीं, डेढ़ हुआ है। ये देख रहे हो गाइस कितनी स्क्रैच है, देख रहे हो, ये सोसाइटी में मार रखे लोगों ने। इसका नामकरण करो आप, चलो छोड़ो स्क्रैच वगैरह तो मैं संभाल लूंगा, आप इसका नामकरण करो। इसका नाम फिर हम लिखवाएंगे का, यहाँ लिखवा सकते हैं पीछे शीशे पे, है ना, क्योंकि और कहीं तो जहाँ स्पेस कमी है यहाँ ऊपर लिखवा सकते हैं। तो देख लो अभी इसको इतना टाइम हो गया है गाड़ी को आए हुए, लेकिन इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया, पीछे लाडो का रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसका नाम आ गया था दिमाग में, मम्मी ने बता दिया था। तो इसका कुछ अच्छा नाम बताओ ताकि हम अपनी एक्सयूवी का भी कुछ अच्छा नाम लिख सके। मीनवाइल हम लोग अभी जा रहे हैं राम राम लिखवाने के लिए। गाड़ी में बाल ही बाल हो रहे हैं यार। इंस्टा गया था ना इसमें? कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास। अच्छा सुबह सिब्बू लेगी थी क्या एक्सयूवी? और क्या, सही चलाई उसने? ये गया था साथ में, इसको पता, बल्लू गया था। तो गया था, सही चलाई थी सिब्बू ने गाड़ी? उड़ाई थी उड़ाई थी। अरे सही चलाई थी भाई। पक्का? हाँ हाँ, कभी देख ले, इसलिए ना बता रहा हो कि फिर बाद में सिब्बू तेरे को डांटे, कहीं ठोकी तो नहीं? नहीं नहीं। पक्का? अरे भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं है, अभी तो पूछ रहा हूँ। भरोसा है अभी तो बेचते हो। गाइस सुबह ना मैं तो सो रहा था, तो सिब्बू इंस्टा को लेके गई थी डॉक्टर के पास। लास्ट टाइम जब हम मांगे थे ना इंस्टा की कटिंग वगैरह करवाने के लिए, तो दिखाया था हमने इंस्टा को चोट लगी हुई है, पर वो चोट ना भाई बहुत, मतलब चोट नहीं है, वो इन्फेक्शन हो रखा है इंस्टा की स्किन में। वो घास की वजह से? घास से कैसे इन्फेक्शन हो गया मेरे को तो समझ नहीं आया यार। वही डॉक्टर बता रहा है, डॉक्टर हो सकता है कीड़े वगैरह हो। हाँ हो सकता है, अलग अलग तरीके की घास यहाँ पे, और वैसे वो नॉर्मल इतना घासों में रहता नहीं था, बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा ऐसा है, ये भी हो सकता है। तो गाइस उसको ना इन्फेक्शन हो गया स्किन पे, उसके ना कई जगह जख्म बने हुए हैं, इंस्टा को घाव हो रखे हैं, ऐसे पक गए हैं कईयों में, तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा, मतलब सच बता रहा हूँ। ठीक हो रहे लेकिन धीरे धीरे। अभी ये है कि हमने उसको इंजेक्शन लगवा दिया था, सुबह सिब्बू ले गई थी, तो इसी गाड़ी में लेके गई थी क्योंकि एक्सेंट है नहीं, टियागो लेके बिना घर गया हुआ है,
अब सुपर कार में कैसे लेके जाती, तो ये एक्सयूवी खड़ी थी तो एक्सयूवी में ले गई थी इंस्टा को सिब्बू। सही हो गया इलाज उसका? अभी दोबारा दिखाना पड़ेगा या क्या सीन है? नहीं, नहीं, उसने एक दवाई दी है, कह रहा है इससे सही हो जाएगा पूरा, प्रॉपर महंगी दवाई है। अच्छा हाँ। कितने की आई? 5,000 की एक। 5,000 की एक टैबलेट? एक टैबलेट नहीं, एक डब्बा उसका, 10 है उसमें। अच्छा भाई देख रहे हो इंस्टा की 10 गोली आई है 5,000 रुपए की। और गाइस काफी दिन के बाद मेरे मेन चैनल का है शूट, कल, आज नहीं कभी सोचो, आज तो नहीं है, कल है मेरा शूट। अच्छा आप में से कोई गैस कर सकता है? जाओ भाई गैस करके बता दो, मैं मान जाऊंगा कमेंट सेक्शन में कि मेन चैनल पर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आने वाली है। अगर किसी का सही गैस निकला भाई मान जाऊंगा और उसको मेंशन जरूर करूंगा कि हाँ भाई इस बंदे का कमेंट सही निकला। बाकी गाइस ये द्वारका एक्सप्रेसवे, अब इसका ना ये सर्विस लेना है, ये तो चालू है, ऊपर है मेन एक्सप्रेसवे, ये तो देख रहे हो ऊपर, ये वाला भी चालू नहीं हुआ, पता नहीं कब चालू होगा। ये चालू होने के बाद ना यहाँ की रोडें मस्त हो जाएंगी। हालांकि अभी काम चल रहा है, जैसे देख सकते हो सामने वो वहाँ पे जेसीबी की खुदाई हो रही है, ऐसे ही अभी कई जगह काम चालू है इस पे। ओए तुम लोग कोई क्रिकेट देखते हो? मैं थोड़ा बहुत कुछ शौक से नहीं, हाँ नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। देखता है वैसे मैच, वो चल रहे हैं ना वर्ल्ड कप चल रहे हैं। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, इंडिया जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने 199 मारे थे। वो तो मेरा व्लॉग देखा था तूने? या वो तो मैच थोड़ी देखा था। हाँ है नॉलेज, कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी तुम्हारा वो जो लाइट पंखे लेके आए थे हम कल, वो उसका क्या सीन है? अभी चढ़ेगा सीढ़ी पे जाके। क्या अभी चढ़ेगा सीढ़ी पे? अभी तो लगवा ले भाई, वो रूम सेटल कब करोगे नीचे वाला तुम लोग? कर देंगे, लाइट पंखा लग जाए फिर शुरुआत है। तो भाई हम वापस उसी दुकान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने अपने लाडो पे राम राम लिखवाया था, और लाडो भी यहीं से लिखवाया था। अभी ये भाई लिखने लग रहे हैं अपनी एक्सयूवी के लिए राम राम। भाई सेम वही फॉन्ट बनाना। ओके अभी देखते हैं भाई कैसा बनेगा हमारा फॉन्ट। तो भाई हमारा फॉन्ट हो गया रेडी, भाई सेम वही है ये पक्का, जो जो हमने लास्ट उस पे लिखवाया था BMW पे, वही वाला है ना? सेम सेम। इस बार सेव कर लेना, हम और भी गाड़ियों पे लिखवाएं तो दोबारा बनाना ना पड़े, है ना? तो ये अभी जा रहा है अपनी XUV पे प्रिंट होने बाहर। भैया बढ़िया सा प्रिंट निकाल दो व्हाइट कलर में। भाई फाइनली लिख गया इस पे भी राम राम। सही लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। ये देखो भाई हमने अपनी XUV के ऊपर भी लिखवा लिया राम राम, बस अब इसका नाम सोचना है, नाम क्या लिखवाना है, इसके पीछे लिखवाएंगे फिर अच्छा सा कुछ नाम। भाई आपने बहुत अच्छा लिख दिया हमारी XUV के ऊपर भी। थैंक यू। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है सामने राम राम। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपके पास कोई भी आए मेरा नाम लेके बोले कि रचित भाई की गाड़ी पे जैसे राम राम लिखा है वैसा लिख दो, तो उससे पैसे मत लेना, राम जी का नाम है ऐसे लिख देंगे। ठीक है भैया, जय राम जी की। आ जाना भाई, ये देखो भाई का बोर्ड लगा है, फोन नंबर लिखा है, एड्रेस क्या है? ये भीमनगर है भैया, गुड़गांव। हाँ, सेक्टर भीमनगर गुड़गांव सेक्टर 6 है शायद। ठीक है भाई, कट है शुपरी भीमनगर का ना। अच्छा ये देख लो भाई, चलो भाई जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम भाई। तो गाइस फाइनली हमने अपनी XUV के ऊपर भी राम राम लिखवा लिया है, और देखो आप लोग जितने भी दर्शक हो ना कमेंट तो करते ही हो राम राम। एक काम करो आप लोग सब ना, अपनी बाइक स्कूटी, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी, जिसके पास साइकिल है साइकिल, आप सब भी लिखवाओ राम राम। राम जी की कृपा से भाई जिसके पास बाइक है वो गाड़ी पे आ जाएगा, जिसके पास गाड़ी है वो सुपर गाड़ी पे आ जाएगा। तो भाई सारे भाई लोग लिखवाओ राम राम। और ये दुकान वाले भाई को मैंने बोल दिया है कि मेरे नाम से कोई लिखवाने आए तो उससे पैसे नहीं लेने हैं, और भाई ने मेरे से भी पैसे नहीं लिए, उनने बोला कि भाई राम जी का नाम है पैसों में नहीं लिखेंगे ऐसे लिख देंगे। मगर ये हुई ना बात। ओहो बाकी हमारी सोसाइटी की एंट्री गेट है भाई, देख रहे हो अपनी गाड़ी की पहचान होगी, राम राम कर रहा है, राम राम भाई राम राम। यहाँ फुहारे लगे हैं। अच्छा तुमने वो देखा है? हाँ। मैं और भी ना जाते हैं जहाँ फार्म हाउस वाली लोकेशन बोलते रहते हैं हम लोग में, फार्म हाउस वाली लोकेशन है अपनी सोसाइटी में, देखिए तुमने वो नहीं देखी? फार्म हाउस वाली लोकेशन याद सुन रहा हूँ। अरे इतने व्लॉग में तो है, इतने व्लॉग में बोली है कि भाई हमारा फार्म हाउस है वो वाली लोकेशन, जहाँ सोसाइटी में फार्म हाउस है, हमने नाम दे रखा उस लोकेशन को। क्या है उधर? अभी चल के दिखाता हूँ। गाइज आप लोगों ने भी इतनी बार सुना होगा कि फार्म हाउस वाली लोकेशन पे जा रहे हैं हम फोटो रील बनाने, इनको नहीं पता। कोई ना आज इनको वहां ले जाके दिखाता हूँ, फिर बताना तुम कैसी लोकेशन थी। आज वहाँ पे हम फिर से फोटो और रील करवाएंगे, और दिनों हम करवाते हैं अपनी BMW लाडो के साथ, बट आज हमने अपनी गाड़ी पे राम राम लिखवाया तो फोटो और रील अपनी XUV के साथ भी करवाएंगे आज। ये है वो लोकेशन,
राइट में देखिए तुमने इससे पहले आयो ये देख ये है सामने फार्म हाउस अपना तो कोई नहीं है। हाँ तो क्या करना है तेरे को यहाँ पे किसी का यहाँ आते हैं मैं अरविंद आराम से फोटो और वीडियो बनाने। यार एक तो ना मेरे को कोई टेम्पर्ड ग्लास वाला नहीं मिल रहा जिससे मैं अपनी आई वॉच अल्ट्रा पे टेम्पर्ड लगवा लूँ। ये लगती रहती है यार इस पे स्क्रैच आ जाएंगे फिर मैं लगवाऊंगा। अब देखो भाई अब देखो ध्यान से राम राम लिखा है भाई सही लग रही है यार बढ़िया लग रही है थोड़ा सा क्या अलग सा चमक सा रहा है। हाँ ऐसे लुक चेंज हो गई पूरी गाड़ी की बड़ी बड़ी सी। हाँ भाई नाम बहुत बड़ा है लुक ही चेंज कर दिया पूरी गाड़ी का। नाम का कमाल है राम के नाम का कमाल है। हाँ भाई कैसी लगी फार्म हाउस की लोकेशन है? लगा यहाँ कोई रहता है ऐसे? हाँ मैं रहता हूँ ना कभी वीकेंड पे आता हूँ यहाँ मैं। अच्छा हाँ पूल वगैरह में? पूल वगैरह है मेरा स्विमिंग पूल है पर्सनल मैं रहता हूँ और मेरी तनाई तैरती है उसमें। ओहो भाई हमने ना राम राम के साथ अपनी एक्सयूवी के साथ फोटो और रील तो बनाई है बट पता नहीं इन लोगों ने कैसी फोटो खींची होगी। विनय और मैं आते थे इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ जाके इतनी मस्त फोटो खींची। भाई विनय और मैं आते थे तो विनय खींच देता था ठीक ठाक पर तुम्हारा मेरे को पता नहीं तुम किस टाइप की खींचोगे तो लेट्स सी गाइज इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना अगर आपको कोई अच्छी फोटो दिख जाए तो इसका मतलब वो इनने खींची होगी अगर नहीं दिखी तो मुझे माफ करना ओ मेरे राम। बाकी गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये रहा मेरा यूजर नेम मस्त मस्त फोटो मस्त मस्त रील डेली डेली अपलोड हो रही हैं आप लोगों के लिए जल्दी से फॉलो कर लो जाके इंस्टाग्राम पे। भाई तीन के अकाउंट पे सारे बोलेंगे राम राम। आ जाओ भाई तुम भी तुम कहाँ जा रहे हो बे तुम मुंह छुपा रहे हो। एक दो तीन राम राम, राम, राम। सभी भाइयों के कमेंट आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। भाई वापस घर आ गए हैं देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है ये राम राम लिखा हुआ ये अपनी एक्सयूवी पे लिख दिया इधर और इधर अपनी लाडो है बीएमडब्ल्यू ये यहाँ लिख दिया लाडो पे राम राम दोनों गाड़ियों पे लिख दिया भाई मस्त लग रहा है आप सब भी लिखवाओ। आगे अपनी जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी जितने भी व्हीकल आएंगे सब पे आपको राम राम लिखा हुआ दिखाई देगा। पता है लोग क्या सोचते हैं देखो हम इतनी अच्छी महंगी लग्जरी सोसाइटी में रह रहे हैं लोगों को लगता है कि ये सब जो करते हैं ना वो वही लोग करते हैं जो गाँव में रहते हैं देहात में रहते हैं जो कि मोस्टली होता है क्योंकि ऐसी शहरों में आके महंगी सोसाइटी में आके बाहर निकल के लोग अपनी रूट्स को भूल जाते हैं अपने अपने कल्चर को अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं लेकिन हम नहीं भूलते भाई राम नाम सदैव रहेगा। ओए आ गया तू चल घूम ले जाके मेरे पास मत आ जा भग जा। आज तो इस पूरी लाइन में कोई गाड़ी नहीं खड़ी एक अपनी लाडो खड़ी है एक अपनी अपकमिंग इसका नाम बता दो भाई क्या बोले इसको फिर हम इंस्टा जा नहीं रहा मेरे पास आने के लिए कर रहा है आ जा चला गया भग जा भग जा भग जा। शाम हो गई है अंधेरा हो गया है और सोसाइटी शाम के टाइम और सुहानी और हसीन और सुंदर लगती है। वो यार वो क्या कर रहा है टेनिस कोर्ट के अंदर बच्चा ओहो स्केटिंग चल रही है उसकी देख रहे हो भाई साहब हमारी सोसाइटी में एक से एक बंदे है तुम तो खेल भी नहीं पाओगे इतनी तेज। हाँ जरूर ये तो बहुत तेज खेल रहे वो भाई हैं अभी वीडियो मेरी बनी नहीं ना अब तक खेल लेगी तुम से। अच्छा लोगों को पता ये तो तेज खेल रहे यार देखिए बहुत ए ए ए ए ओ भाई डिफेंड भी कर लेते हैं तो गाइस अभी हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। मैंने कितने मैच जीते एक दो चार मैच जीता उसके बाद एक मैच आ रहा तो अभी ये दोनों खेल रहे हैं बल्लू और मिक्की। भाई साहब मैं तो टेबल टेनिस का चैंपियन होता जा रहा हूँ गाइस। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गेंद दिखाता हूँ उनको आपको ये देखो ये टेबल टेनिस की बॉल। चलो गाइस इनका गेम दिखाते हैं लेट्स सी। बल्लू तो घटिया है एक नंबर का ये देखो अबे यार चल घटिया है तू ये देखो इसका अबे कुछ भी आता ही नहीं बल्लू को तो देख बार मार रहा है सारे हट ये इसने बार मारा। सो गाइस टेबल टेनिस खेल के वापस घर आके मैं तो आते ही नहा लिया। भाई जब से हम टेबल टेनिस वगैरह खेल रहे हैं ना मतलब सही बॉडी का वर्कआउट हो रहा है पसीने निकलते हैं आते ही नहा लेता हूँ फ्रेश फ्रेश लगता है बढ़िया जितनी भी मतलब टॉक्सिन्स है ना बॉडी के निकल जाएंगे पसीने के थ्रू चलो बढ़िया हो जाएगा ये तो। लेकिन हमारे घर में दो सूगले हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता नहाने धोने से एक सूगला ये रहा अबे बहाने बना लेने से कुछ नहीं होता अबे जा और दूसरा सूगला ये रहा सूगला कुछ भी अभी तेल लगा के मैं भी तो जाऊंगा नहाने अबे सूगले बहाने मत बना ये गलत है ये टैग मेरे को गलत है। गाइस बताओ हमारे घर में कौन है दो सूगले आपको दिखा दिए ना आप कमेंट कर दो उनके नाम मेरे नाम क्या ऐसे बोलोगे तो 1000 कमेंट बढ़ जाएंगे अगर मेरे नाम भी 100 कमेंट आ गए ना मिक्की सूगला तब मानूंगा मैं सूगला। अच्छा तो मैं
गाइज इसने चैलेंज दे दिया आप लोगों को, बंदे बोलेंगे तब तो मानूंगी गाइज, ये तो भाई गाइज आपको चैलेंज दे रहा है ये, अगर आपने 100 कमेंट कर दी मिक्की सुगला तब मानूंगा, तो तू मान लेगा कि तू सुगला है? फिर मान लूंगा। चल ठीक है, डन होली, मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कमेंट करेगी और तेरे को सुगला साबित करके रहेगी। बाकी गाइज यहाँ पे सिब्बू लगवा रही है तेल, ये जो तू तेल लगवाती है कुछ फर्क पड़ता है या ऐसे ही बस? अब वो चीनू ने लाके दिया था ना, उसने बोला कि अच्छा होता है, तो अभी इसको ना 6 महीने लगाते हैं तब असर दिखता है। मतलब तेरे को अभी तक जितने लगाया कुछ फर्क पड़ा? तीसरी बार तो लगाया। हाँ तो 6 महीने लगा, फिर देखते हैं तेरे बाल कितने, हफ्ते में 3 बार लगा 6 महीने के लिए, फिर देखते हैं तेरे बाल कितने ग्रो करेंगे। तेरे को बाद में सुगला कहलवाएंगे, पहले 100 कमेंट उसके नाम की आ जाए उसको सुगला घोषित करना है। देख लेना, थोड़ा नीचे गया था मैं, अभी तक तेल लगा रहे हो तुम? अबे यार 1 घंटे से देखियो मसाज, अबे इतनी मसाज भी सही नहीं होती, बाल उतर के गिर जाएंगे सारे। भाई इंस्टा तू क्या कर रहा है भाई अकेला कमरे में? दूर नहाया हूँ मैं जस्ट अभी। हाँ तो भाई गाइज संडे को है विनय की सुपरकार की डिलीवरी, कल है मेरे मेन चैनल का शूट, आज मैच था न्यूजीलैंड का और नीदरलैंड का, देखा ही नहीं क्योंकि हम अपना टेबल टेनिस खेलने में बिजी थी। भाई प्रो हो गए हैं 1 हफ्ते के अंदर, प्रो टेबल टेनिस में, कोई सा हो टेबल टेनिस का प्लेयर तो आ जाना, ओपन चैलेंज। बाकी गाइज कल शूट पे कौन कौन आएगा, एक तो आएगी दादी और पप्पू मामा, मम्मी स्वाति और बाकी लोग यहाँ पे है ही। अभी विनय घर गया हुआ, विनय को भी फ़ोन करूँगा अभी मैं, व्लॉग कट करके विनय को फ़ोन करूँगा कि भाई कहाँ है, शूट जब भी होता है गायब हो जाता है यार, ये उसकी गलत आदत है, उसको सुनाऊँगा बहुत बुरी सुनाऊँगा। अभी फ़ोन करके उससे पूछता हूँ क्या सीन है, कब आएगा, कहाँ है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था, पता ही नहीं होता भाई साहब, जैसे ही शूट का पता लगता है ना ठूस हो जाता है जब भी, अभी बताऊँगा उसको अच्छे से। बाकी देखो अभी तक ना मैंने मम्मी को सुपरकार की राइड करवाई है, ना मैंने अभी तक पापा को सुपरकार की राइड करवाई है, ना मैंने अभी तक स्वाति को सुपरकार की राइड करवाई है, ना अभी तक चीनू को सुपरकार की राइड करवाई है, ये सारी चीज़ें पेंडिंग है अभी तक। अब कल मेरे घर वाले आएंगे और मुझे तो लग रहा है मेरे को बहुत सुनाएंगे कि सुपर कार लिए तेरे को 20-25 दिन हो गए और अभी तक हम लोगों को राइड नहीं करवाई। वो तो चलाने की बात कर रहे थे कि हम सुपर कार चलाएंगे, वो बोलेंगे चलाना तो दूर, तूने तो राइड तक नहीं करवाई। तो भाई गेट रेडी कल के लिए सबकी डांट सुनने के लिए, या हो सकता है ना भी पड़े, या हो सकता है कि बहुत डांट पड़े, या हो सकता है कि मार भी पड़े, देखते हैं गाइस कल क्या होगा। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हमने अपनी एक्सयूवी के ऊपर राम राम लिखवा लिया, गाड़ी का नाम सजेस्ट कर दो एक्सयूवी का, गाड़ी का नाम भी लिखवा लेंगे गाड़ी के पीछे। ठीक है गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये मेरा यूज़र नेम है। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ सुबह 11 बजे, चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहो और बोलो जय श्री राम। रखियां मारा वो जट दे पिछियां पर तू मैनू बाली जाची दी।